हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा काढ़ा जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जिससे कि आपको कफ, खांसी एंड जो आजकल कोरोना का काफ़ी कहर है तो उससे भी आपको बचाने में हेल्प करेगा। मैं आज बात करने वाली हूँ इस तुलसी मंत्रा आयुष काढ़े के बारे में। इस काढ़े के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके शरीर में जो भी रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाता है एंड आपको कफ हो, खांसी हो, इसको भी कम करता है। एंड आपको अगर वीकनेस आ रही हो, अगर आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द हो तो भी आप इस काढ़े को बना करके पी सकते हो। अगर आपको सर में दर्द हो और जुखाम से सर में दर्द होने लगता है तो आप इसको एक से दो बार यूज़ करो, इससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। इसको आप किस तरीके से बनाकर पी सकते हो ये भी मैं इस वीडियो में डिटेलिंग बताऊंगी आपको। और ये डॉक्टर जुनेजा की रेसिपी है। अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी कमज़ोर पड़ती है तो हमारे को खांसी, जुखाम ये सब हो जाता है, तो थोड़ी सी चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास ना जाएं। इसलिए ये जो काढ़ा है आपको डॉक्टर से दूर रखने वाला है, ज़्यादा डॉक्टर के पास आपको जाना ना पड़े। तुलसी मंत्रा आयुष काढ़ा को उपयोग में लाना पड़ेगा एंड ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें 20% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसके साथ साथ ये 100% आयुर्वेदिक है। इस काढ़े को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं ये है, तुलसी है 4 ग्राम, दालचीनी है 2 ग्राम एंड सौंठ है इसमें 2 ग्राम और कृष्ण मिर्च है इसमें 1 ग्राम। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, यानी डॉक्टर से दूर करेंगी। आपको सिर्फ इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए एंड आपको कितनी क्वांटिटी में इसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसका जो प्राइस है 136 है एंड इसका जो नेट वेट है 120 ग्राम है। और कोरोना का अभी आप जान ही रहे हो, कोरोना अभी तक चल ही रहा है, इस बीमारी से बचने की कोई दवा नहीं है। बट आपको बस करना क्या है, तुलसी मंत्रा आयुष काढ़े को आप यूज़ करोगे तो आप एक से दो बार के यूज़ में ही आपको फ़ायदा होने लगेगा। एंड इसका जो बाय लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते। तो इसको कैसे तैयार करना है चलो देख लेते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। आयुष काढ़ा बनाने के लिए आपको इस तरीके से एक बर्तन ले लेना है, खाली बाउल लेना है, उसमें आप 1 गिलास पानी डाल लें। इसके बाद आप आधा गिलास और पानी ले लें, क्योंकि हमें जो काढ़ा है आधा गिलास बनाना है, तो आधे गिलास बनाने के लिए आपको 1.5 गिलास पानी लेना है। और फिर हम इसके बाद लेते हैं तुलसी मंत्रा आयुष काढ़ा। यहाँ देखिए इसके मैंने क्या बेनिफिट्स हैं ये मैंने आगे आपको वीडियो में बता दिया है एंड इसमें यूज़ करने की विधि भी बताई हुई है, किस तरीके से आपको प्रयोग करना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। अब आयुष काढ़ा में से हम इसमें यूज़ करते हैं, हमने 1.5 गिलास पानी में 1 चम्मच आयुष काढ़ा पाउडर डालना है। और आप कभी भी यूज़ करें आयुष काढ़े को तो पहले अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद उसमें 1 चम्मच आयुष काढ़ा पाउडर और फिर 1/2 चम्मच हमें ले लेना है। यानी आपको 1.5 गिलास पानी में 1.5 चम्मच आयुष काढ़ा मिलाना है एंड आप इस तरीके से गैस पर अपने बाउल को रख दें और 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पर उबलने दें। ये काफ़ी उबल चुका है आप देख सकते हो और बीच बीच में आपको 1 से 2 बार चम्मच से चला लेना है इस तरीके से। और ये बनने के बाद, उबलने के बाद 5 से 7 मिनट तक उबलने के बाद ये इतना रह जाएगा, इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी। आप इसको गर्म में ही छान लें अपने गिलास में इस तरीके से, छन्नी की सहायता से आप इसको छान लें। और ये अभी गर्म है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसी गिलास में छान लिया है जिस गिलास से मैंने पानी डाला था। आप देख सकते हैं यहाँ 1 गिलास पानी है और आयुष काढ़ा हमारा बनकर 1/2 गिलास हुआ है इस तरीके से। अब आपको मैं इसको पीकर दिखाऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है। आयुष काढ़े को बनाने के बाद और ठंडा करने के बाद आपको उसमें नींबू मिला लेना है या आप अपने स्वाद अनुसार गुड़ मिला सकते हैं या आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। हमें लेमन जूस इसमें 1 चम्मच मिला लेना है, क्योंकि आयुष काढ़ा तो है ही, साथ में हमें विटामिन सी भी मिल जाता है। इस तरीके से काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है एंड ये रहा हमारा तुलसी मंत्रा आयुष काढ़ा। इसको मैं आपको पी के दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है।
इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा, मतलब मैंने इसमें नींबू मिलाया है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, जैसे ब्लैक टी होती है सेम वैसा ही। इसमें आप हनी भी डाल सकते हो एंड आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ भी आप डाल सकते हो। यहाँ मैं लेमन डाल करके पी रही हूँ क्योंकि मुझे काढ़े में लेमन अच्छा लगता है और जो इसमें मुझे विटामिन सी भी मिलने वाला है। आप तो जानते ही हो नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे गले के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए काफ़ी अच्छी हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप तुलसी मंत्रा आयुष काढ़ा को यूज करके देखो और डॉक्टर से दूर रहो। ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है एंड इसका जो बाय लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।